कैंपिंग वैम्पिंग को आप देख रहे हैं, फिलहाल हम लोग पैकअप कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिन हम यहाँ पर रुके हुए थे, वीडियोस मैंने नहीं बनाई, लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो हमारा तबाही था। तो आज हम चल रहे हैं यहाँ से पास ही, मतलब यहाँ पर 17 बोला जाता है, तो वो किसी का मतलब एक प्रकार का मॉनेस्ट्री या टेम्पल होता है शायद, तो वो हम घूमने ले चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं माजुली आइलैंड और यहाँ पर जो भी हमारे एक्सपीरियंस होने वाले हैं। ये जो ढाबा है, ये ढाबा बहुत ही शानदार मतलब खाना प्रोवाइड करता है माजुली दोरिया पार में। तो यहाँ पर हम लोग पिछले 3-4 दिन से खाना खा रहे हैं और ये है इस ढाबे के ओनर जीतू दादा। नमस्ते जीतू दादा। नमस्ते। तो मतलब इनका स्वादिष्ट खाना खा खा के हम लोग 3 से 4 दिन से यहाँ पर टिके हुए हैं, वरना आदत पड़ गई है। एक बार भोजन हो रहा है हमारा यहाँ पर और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं घूमने, तो हमने सोचा कि चावल वावल ही खा लेते हैं और यहाँ का स्पेशल है ये, तो मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है लोकी बाबा खाना वाना? ये तो थोड़ा हल्का आलू जैसा टेस्ट आ रहा, आलू ही है क्या? आलू ही है वो, छोटा छोटा आलू, छोटा आलू नहीं देखा मैं। भाई साहब खाना वाना हमारा हो चुका है और अभी मैं और लोकी बाबा जा रहे हैं लिफ्ट मांग के आगे गरमोर 17। और लोकी बाबा आए हैं छत्तीसगढ़ से, इनका इनका चैनल है देसी ट्रैवलर 0। छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लोर करा हुआ है, तो सबसे पहले भाई का चैनल देख सकते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा किन पर्सनैलिटी के साथ मैं घूम रहा हूँ। अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से लिफ्ट लेके। चलिए हमें लिफ्ट मिल गई है, थैंक यू सो मच सर। व्हाट्स योर गुड नेम? रामजीत कलीटा। रामजीत जी, भाई साहब सर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपीरियंस फर्स्ट एक्सपीरियंस अभी कार में बहुत मजा आ गया, जो इंसान मिले थे बहुत एकदम सपोर्टिव थे, बोल रहे हैं जो भी प्रॉब्लम होता है इस एरिया में मैं आपका हेल्प करने को तैयार हूँ। और यहाँ तक कि उसके जो बच्चे हैं वो एक यूट्यूबर फैन है, मतलब अगर हमको देखते तो शायद वो घर ले जाते, ऐसा बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लग रहा है यहाँ के, तो मतलब वो किसी काम में बिजी थे वरना बोल रहे थे घर तक आप चलो करके, तो ऐसा कुछ सीन है भाई। अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं गरमोर 17 और ये भाई साहब मिल गए, क्या नाम है आपका? आकाश। तो आकाश जी हैं और बता रहे थे यहाँ पर जो फेस्टिवल होता है राइट नाउ एक यज्ञ हो रहा है, कौन सा यज्ञ हो रहा है? विष्णु यज्ञ। तो विष्णु यज्ञ हो रहा है और शुरू हो रहा है। अच्छा 3 दिन तक होगा। ओके 1556 से। तो भाई साहब ये जो पेड़ है ये बता रहे हैं कि 300 साल पुराना है और इस 17 का जो उद्घाटन है, क्या बोलते हैं, तो इस 17 का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो मतलब 1656 तो वो 1656 में यहाँ पर हुआ था और अहोम जो डायनेस्टी इस एरिया में जिन्होंने रूल किया है तो उनके द्वारा इसे कराया गया था। ये मतलब एक प्रकार का भागवत है, भागवत है वो 1416 से लेकर 1549 तक बनाया था वो महापुरुष संगठन ने। ओके चिट्टा भागवत, चिट्टा भागवत, चित्र भागवत, चित्र के जरिए पूरा जो भागवत है उसे मतलब यहाँ पर दिखाया गया है शंकर देव जी के द्वारा। सब हम लोग मतलब यहाँ पर कीर्तन होगा शाम को, जो फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज होना है तो उसका प्रैक्टिस देखने आए थे और भाई साहब ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कराया। तो बस फिलहाल गोरमोर 17 से हम लोग आगे निकलते हैं। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ सामोगुरी 17 और दिखाते हैं आपको क्या है यहाँ। और मास्क मेकिंग सेंटर भी कहा जाता है, मतलब विभिन्न प्रकार के मुखौटे यहाँ पर बनते हैं, तो चलिए दिखाते हैं। निमंत्रण किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम। गौतम, तो आप मास्क बनाते हैं आप? बनाते हैं। वेरी नाइस, तो मतलब आर्टिस्ट हैं भाई। बहुत सही, ऐसे ही बनाते हैं। अच्छा तो ये मास्क जो है कहाँ यूज होता है, मतलब ये सब बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है क्या? एक्सपोर्ट होता है। ओके ट्रेडिशनल ड्रामा होता है। अच्छा अच्छा ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल ड्रामा में ये सब यूज होता है ना? ओके ये पूरा लोकल सामान से बनाते हैं हम लोग। किससे बनाते हैं? लोकल सामान से बनाते हैं। ओके ओके मिलते हैं वो, बनाते हैं। ओके सिर्फ ये कलर
खरीद के लाते हैं। ओके। कलर भी नेचुरल था। अच्छा अच्छा। आजकल जो कलर बनाने का चीज था वो सभी नहीं मिलते हैं। अच्छा अच्छा। इसलिए हम लोग ये कलर यूज करते हैं। ओके। ये पहले बेम्बो का फ्रेम बनाते हैं। बेम्बो का फ्रेम है ये? हाँ, बेस बेम्बो का आता है। फ्रेम को हम लोग बाइंडिंग करते हैं केन से। अच्छा। और उसके बाद मिट्टी और कपड़ा लगाते हैं इसके ऊपर, और जब सूखेगा ये सेकंड मिट्टी और कपड़ा, उसके बाद ये जब सूखेगा तब ये गोबर से चेहरा बनाते हैं, शेप देते हैं गोबर और मिट्टी मिला के। और उसके बाद जब चेहरा कंप्लीट होगा ये फिर से मिट्टी और कपड़ा लगाते हैं। अच्छा अच्छा। ये सूखने के बाद पेंटिंग ये, और पेंटिंग जो हम लोग प्लास्टिक पेन ऑयल पेन ऐसा करते हैं। पहले नेचुरल कलर करते थे लेकिन आजकल सभी सामान नहीं मिलते हैं, इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं। और जो बाल होता है ना, बाल लगाते हैं वो जूट से लगाते हैं। जूट से? जूट से। ओके। तो मतलब ये जो मास्क मेकिंग सेंटर है ये क्या, मतलब कितने सालों से चला आ रहा है ये? हमारा ट्रेडिशन है। अच्छा। ये जब हमारा गुरु 500 years ago शंकरदेव था। अच्छा। उन्होंने ये शुरू किया था, शंकरदेव जी, शंकरदेव। उसी समय से अभी तक ये चल रहा है। तो ये पूरा नाटक के उससे मतलब पूरा महाभारत ये सब हमारा यहाँ पे तो रामायण का ज्यादा है। रामायण। तो जैसे एक आर्टिस्ट है तो एक दिन में मतलब अलग अलग उस मास्क पे काम करता होगा ना? हाँ हाँ। तो मतलब जैसे एक दिन है तो उसमें 3-4 ऐसे बेस बना दिए, मतलब कितने बेस बना लेते होंगे आप एक दिन में? हाँ, 5-6। फिर मतलब कंटिन्यूस उस बेस पे नेक्स्ट स्टेप में काम करते रहते हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र गोस्वामी। ओके सर। हमारा ये सामग्री सत्र बोला है नाम। हमारा ये सामग्री सत्र एस्टैब्लिश हुआ था 1663 और किंग चक्रधर सिंह जो सत्र एस्टैब्लिश किया था। एक पेड़ का नीचे जो पेड़ का नाम श्याम बोला है, जो बड़ा पेड़ वो नीचे ये सत्र एस्टैब्लिश किया था, वो नाम रखा है सामग्री सत्र। और सत्र का जो मेन कल्चर है मुखुड़ा बनाने के लिए, ये 500 साल आगे हमारा गुरु शंकरदेव का पहले मुखुड़ा बने, एक परंपरा चल रहा है। 2003 में हमारा पिताजी अवार्ड मिला, अवार्ड वॉल में फेमस हुआ है संगीत नाटक अकादमी। ये देखिए हमारा पिताजी, ये पिताजी का नाम कुशकांत देव गोस्वामी, सत्र का जो लीडर था, सत्राधिकार बोला है। और ये अंकुल है नारायण चंद्र देव गोस्वामी, ये अलग का जो सत्र नतुन कुमार सत्र का लीडर था, सत्राधिकार है। अंकुल मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड, शंकर अवार्ड, डॉक्टरेट डिग्री मिला है दिल्ली सम्मान। और हमारा पिताजी जो अवार्ड है ना, ये देखिए ताम्रपत्र, ये ताम्रपत्र का जो नौगांव डिस्ट्रिक्ट से एक नाम।